हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक में कार का गेट कैसे ओपन करना चाहिए, जो जाने अनजाने में हमारे से गलतियां हो जाती हैं और हमारी वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ता है। वो चाहे बाइक हो चाहे कार हो, गलती हमारी लेकिन नुकसान किसी और का होता है। तो 98% लोग कार चलाना उन्हें आता है, सालों से चला रहे हैं, लेकिन उनको डोर खोलना नहीं आता है। डोर खोलने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, डोर को कब और कैसे खोलना होता है, डोर खोलने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान देना होता है, क्या हमें राइट हैंड से डोर खोलना चाहिए या हमें लेफ्ट हैंड से डोर खोलना चाहिए। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि जब हम कार का डोर ओपन करते हैं तो कितनी जगह हमारा डोर लेता है, और जब हम कार के अंदर बैठ के डोर खोलते हैं तो डोर कितनी जगह लेता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इसका डोर है। इस डोर की जो चौड़ाई है वो लगभग 4 फीट से ज्यादा है, 5 फीट समथिंग। अब नॉर्मल ये गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो जो भी बाइक लेके निकलेगा तो बस इतनी जगह वो मेंटेन करता है, इतनी जगह मेंटेन करता है, लेकिन जब अचानक हम डोर खोलते हैं तो ये इतनी जगह ले लेता है। और ऐसे में क्या होता है, जब भी पीछे से कोई बाइक या कार आ रही होती तो वो टकरा जाता है, ऐसे में लोगों की जान भी चली जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डोर खोलने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। डोर खोलने से पहले हमें अपना राइट वाला ORVM देखना चाहिए या लेफ्ट वाला ORVM देखना चाहिए, और डोर खोलते वक्त हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि डोर किस तरीके से खोला जाता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। कभी भी आप अगर रोड पे खड़े हुए तो अचानक डोर कभी नहीं खोलेंगे। डोर खोलने से पहले आप अपने मिरर को रिकॉल करेंगे, उसके बाद ही आप डोर ओपन करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल मैं कार में बैठ गया, अब मैं कार में बैठा हूँ। अब जैसे मेरी कार का जो इसका मैग्नेशन ऑन कर लेता हूँ, कांच उतार लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने ये डोर यहाँ पे ऑफ है, अब जैसे नॉर्मल मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कार मेरी कम से कम पिछले 15 मिनट से यहाँ पे खड़ी हुई है। तो नॉर्मल कार अगर हम पार्किंग में कहीं खड़ी कर लेते हैं, कहीं भी खड़ी कर लेते हैं, रोड पे, ऑन रोड या पार्किंग में, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जब आप डोर ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, रेंडम में ऐसे डोर ओपन कर देते हो इस तरीके से, और पीछे से जो भी व्हीकल आ रहा होता है वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी जैसे कि मेरी कार का डोर बंद है, अब जैसे मैं नॉर्मल डोर खोलूंगा और मैंने क्या करा, ये राइट हैंड से यूं ऐसे करता हूं, ये देखो डोर खोला। अब देखो सामने से पीछे से बाइक आई, ये आई बाइक। अब आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, इन्होंने क्या इतना जगह मेंटेन करी, ये जगह कितनी, 2 फीट की। क्योंकि नॉर्मल गाड़ी जब खड़ी होती है दोस्तों, तो जो भी पीछे से बाइक या कार आती है तो वो क्या करता है बंदा, वो 2 से 2.5 फीट का मार्जिन लेके चलता है। लेकिन अभी मैंने जो डोर खोला तो आप देख सकते हैं, अगर ये बाइक थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती तो क्या होता, अभी ये गिर जाते बाइक लेके। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी। 99% रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो गलती किसी की, और भुगतना किसको पड़ता है। अब मेरी गाड़ी तो रोड के किनारे खड़ी है, अब इन्हें ये लगेगा कि ये गाड़ी खड़ी है क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं है। तो ऐसे रास्ते पे अगर आप कभी भी कहीं गाड़ी अपनी खड़ी करके रखते हैं, ऑन ट्रैफिक ऑन रोड, तो आपको चारों इंडिकेटर ऑन करके रखने होते हैं, हजार्ड स्विच जिसको बोलते हैं, जिससे पीछे वाला अलर्ट रहे। और कभी भी डोर ऐसे अचानक नहीं खोलना है क्योंकि बाइक और कार दोनों टकरा सकती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डोर खोलने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो क्या होता है। तो जैसे कि मैं कार में बैठता हूं, आप थोड़ा उस साइड आ जाइए, बाइक पीछे कर लो। तो नॉर्मल मैं कार के अंदर अभी बैठा हूं, अब मुझे कार का अगर डोर खोलना है तो मैं क्या करूंगा, जो प्रॉपर इसका तरीका होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे डोर खोलते हैं, ऐसे नहीं खोलना है, ठीक है। डोर हमेशा पहले एक बार राइट वाले ORVM को चेक कर लेना है। अब मेरे साइड में एक बाइक आ रही है, मैंने क्या करा, ये लेफ्ट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड से मैंने थोड़ा सा डोर खोला, और ये अब देखो ये बाइक आई। अब बाइक आई तो बाइक मैंने देख ली, यहां पे बाइक जैसे मैंने देखी तो मैंने पूरा डोर नहीं खोला, बाइक बच गई क्योंकि मैंने पूरा डोर नहीं खोला और बाइक मेरे जस्ट बगल में आई थी, तो मैंने थोड़ा सा डोर ओपन करा, 2 फीट का मार्जिन, और बाइक बगल में आई तो मैंने अपना डोर उतने में रोक लिया। अब ऐसे में अगर कोई बाइक आती है, कार आता है, तो आप जब ऐसे डोर खोलते हो इस तरीके से, ऐसे लेफ्ट हैंड से डोर खोलते हो ये, तो हल्का सा डोर खोल के फिर आप ऐसे देखते हो, मैंने ऐसे देखा, मुझे बाइक दिखी तो मैंने डोर इतने पे रोक लिया। और जब हम नॉर्मल डोर खोलते हैं तो यूं होता है और ऐसे करके ऐसे खोल देते हैं, तो बाइक जो आ रही वो टकरा जाती है, बाइक या कार कुछ भी। तो जब भी हमें डोर खोलना है, हटा लो, जब भी डोर खोलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको राइट वाला ORVM चेक करना है, और राइट वाले ORVM को चेक करने के बाद इसको ये देखिए, ये यहां से ऐसे ओपन करना है और हल्का सा इसको यूं खोलना है, और उसके बाद यूं देखना है। जब आप यूं देखोगे तो आपको पीछे जो बाइक या कार जो भी आ रही वो दिख जाएगी, उसके बाद आपको फिर उतने में गाड़ी निकल जाएगी, फिर आपको ऐसे डोर खोलना है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।